अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ऐसी पराठों की रेसिपी बताऊंगी कि आप बाकी पराठों को भूलकर ये वाले पराठे बनाना शुरू हो जाएंगे। अक्सर घरों में दाल तो बनती है, लेकिन एक टाइम दाल खाकर जो दाल बच जाती है वो फ्रिज में रख देते हैं। आज मैं आपको दाल के ऐसे लजीज पराठे बनाना बताऊंगी, आपको फ्रिज में रखने की जरूरत बिल्कुल पेश नहीं आएगी। आप उसी वक्त दाल वाले पराठे बनाएंगे और मजे लेकर खाएंगे। ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल का आटा गूंदने के लिए 3 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर जाएगा, 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच क्रश किया हुआ खुश्क धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 कुटी धनिया जिसको साफ करके मैंने इस तरह काट लिया, ये ऐड कर दें। मिक्स करेंगे। अब इसी दाल से हम आटा गूंदेंगे। इधर मैंने आटा ले लिया है। अगर आपकी दाल ज्यादा है तो आप आटा ज्यादा लें, अगर आपकी दाल कम है तो आटा कम लें। इसी दाल से हम आटा गूंदेंगे, पानी नहीं डालना। ये देखें आटा मैंने गूंद लिया है। अब इसको रख देंगे 2 घंटे के लिए, फिर इसके पराठे तैयार करेंगे। ये देखें हमारे कितने मजेदार टेस्टी पराठे पक रहे हैं। इसी तरह हम सभी पराठे तैयार कर लेंगे। ये देखें हमारा कितना टेस्टी पराठा बनकर तैयार है। ये देखें हमने सारे पराठे तैयार कर लिए हैं। ये कितने मजेदार लग रहे हैं। ये देखने में इतने मजेदार हैं तो इनका टेस्ट क्या कमाल का होगा। ये देखें भाप उठ रही है। जब गरम गरम पराठे आपके खुशबू होंगे ना तो आपने कहना अभी बना के हम खा लें। ये देखें कितने मजेदार पराठे हमारे तैयार हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, इसलिए मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।